दुखिया, अरे ओ दुखिया। आई एम मालकिन। मालकिन के बच्चे, मैंने कहा था ना कि बैग जी से काढ़ा ले आना। रात भर सर्दी के कारण सो नहीं पाया मेरा राजा बेटा। गलती हो गई मालकिन, अभी आया। आहिस्ते 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 क्या करता है, और जल्दी से काढ़ा लेके जा, वरना राजा बाबू की माँ तुझको नहीं छोड़ के तुझमें से काढ़ा निकालेगी। भाग। ये लीजिए पानी। दूधी जी। मालकिन, राजा बाबू के बाहर जाने का वक्त हो गया, जल्दी से उसकी फटपड़ी साफ कर दे। अभी साफ किए देते हैं। राजा राजा बेटा अब उठो। चौधरी साहब, आपके लिए लेटर लाया हूँ। लो ये लीजिए। चौधरी साहब, ये आपका बेटा है। वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सबूत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? जी नहीं। वो कुछ नहीं है, है? सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। ओ। एमए किया है, माँ की ममता में, किसी कॉलेज से नहीं। पांचवी में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया। चौधरी साहब, बस इससे ज्यादा कुछ पूछना है तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लेना। अच्छा। यहाँ पूछे अगर उसकी माँ ने सुन लिया तो जल्दी हुई लकड़ी लेके पीछे दौड़ पड़ेगी। कौन है जी, किससे बातें कर रहे हैं आप? जी बाबा। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, नहीं मैंने पूछा ही नहीं कुछ। अरे अजी, ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम इस हालत में देखिए, यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही थी। अच्छा, वो उस गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक? जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं आप। वो बेचारा तो कब का जाग गया, नहाने भी गया है, बस तैयार होकर नीचे ही आता होगा। जब वो नीचे आएगा उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। कमाल करते हैं आप, आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरे बेटे ने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। कहाँ से करेगा नाश्ता, 1 बजे तो वो सो के उठता है, 1 बजे फिर नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना होता है। रहने दीजिए, जब देखो तब ताने ही देते रहते हैं। तो क्या दें, खाना तो मिलता नहीं है। उठ गए? उठ गया बाबा। वाह, क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबा। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। वाह जरा बाबा। ये हाँ। ले। सुनो हाँ? मैं भी खाऊं? हाँ आप खाइए। अच्छा हाँ। खाइए। ये नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा ना। क्यों ये? तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तू क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, ठूका इसको दिया। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। जाओ। तो मैं चलूं? हाँ जाओ बाबा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना, जाता क्यों नहीं? अजी जाएगा कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बेचारे के। चलिए इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं उसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। हफ्ते में 4 बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तुम भी मुझी को कहती रहो, ये चाय बिना मकसद गाँव भर में घूमता रहे, आवारा गर्दी करता रहे, अय्याशी करता रहे। अजी कौन सी अय्याशी करता है ये, है दारू पी के आता है, लड़कियों को छेड़ता है, बेचारा गरीब गाय की तरह सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। वाह क्या गाय। और आपकी इतनी बड़ी जायदाद ये किसके काम आएगी? मेरा एक माँ मेरी टोपी। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? बस इसकी शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। इससे कौन करेगा शादी? मैं कहती हूँ इसे पैसे दे दीजिए, बहुत हो चुका। मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी तिजोरी की चाबी पता नहीं कहाँ घुमा के अगर। अरे क्या चाबी घूम गई तो फिर ये क्या है? और फिर सर इसे ही देने के लिए पैसे रखे थे तो इसे दिए क्यों नहीं? ले बेटा ले। इतने सारे पैसे छोड़ो, ये ठीक है ना? चलो।
बेटा धूप कितनी है, चश्मा तो पहन जल्दी। और सुन धूप में ज्यादा मत घूमना बेटा, लू लग जाएगी। माँ जी मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी। माँ जी क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। अच्छा अच्छा ले पकड़, इसमें मौसमी का रस है, गाजर का हलवा है और ताजे सेब है। हर आधे घंटे बाद मेरे राजा को खिलाते पिलाते रहना। जी मालकिन, हर आधे घंटे के बाद मैं इनको खिलाता रहूंगा। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है, बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चपले खानी है क्या जो मैं इनके बराबर में बैठू? क्या हुआ बेटा? माँ मेरा लॉकेट अंदर अटक गया है। अरे लॉकेट ये ले। हाँ अब ठीक है। माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, अब तू जा नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी, चल जा। अबे छतरी हटा नल्लू, छतरी हटा मुझे दिखी। आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो माँ, जुल्म मत कीजिए, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी लाला जी। नमस्ते राजा बाबू। क्या हो रहा है सब? 6 महीने पहले 10,000 रुपए लेके गए थे, अब देने का नाम ही नहीं लेते राजा बाबू। इस गांव में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ वो तो है राजा बाबू। इस गांव के चौधरी के हम इकलौते बेटे हैं कि नहीं? इसमें क्या शक है राजा बाबू। तो फिर किसी भी गरीब को बेघर करने से पहले तुमने हमारी इजाजत क्यों नहीं ली? वो क्या है? राजा बाबू का मतलब मालूम है तेरे को? अगर इनको गुस्सा आ गया तो क्या से क्या हो जाएगा मालूम है तेरे को? चाहे जिस तरह से तुमने ये बर्तन घर से बाहर फेंके हैं उसी तरह शराफत से बर्तन घर के अंदर रख। चला के नहीं, चलो रखो उठा के चलो। लेकिन मेरे 10,000 रुपए हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। जाओ जाकर हमारे बाबू जी से 10,000 रुपए ले लो, जाओ। चुप चुप क्यों राजा बाबू, चलो उठाओ चलो जल्दी रखो। सुहाना सफर और मेरा खर्चा, मेरे खर्चा राजा बाबू। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ओहो 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 ओहो। चुपे। ए इधर आ, ये सामने क्या लिखा है? हर हर महादेव। राजा बाबू आप नमस्ते। क्या नमस्ते राजा बाबू, इस निमा को इस गांव में रखना कि नहीं? अरे कभी कभी अमिताभ बच्चन के पिक्चर में लगाया करो, तुम्हें पता नहीं हमारे राजा बाबू अमिताभ बच्चन के पिक्चर से कितने खुश होते हैं। उसकी पिक्चर मालिक 25,000 में मिलती है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? अरे तुमको लाने का कौन बोल रहा है, हमारे राजा बाबू को पैसे की कोई कमी है क्या? जाओ जाकर हमारे बाबू जी से पैसे ले लो, आज रात को हम अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगे। ये काले काले ऐसे चोरों नमस्ते अपराधी। बेकार में परेशान हो रहे हैं, सो जाइए ना, सुबह बात। तुम चुपचाप बैठी रहो, मेरा सर फिराओ, मैं जब तक उसे निपट नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। इतना नाराज क्यों हो रहे हो, क्या किया मेरे लाडले? क्या किया है? मेरा मतलब है एक गरीब औरत घर से निकाली जा रही थी, उसे भेज दिया 10,000 रुपए लेने के लिए, बस इतना ही ना और क्या? और वो जो सिनेमा वाले को यहाँ भेज दिया 25,000 रुपए लेने के लिए, वो अमिताभ बच्चन का शो देख रहे थे तो शहर चला जाता, 25,000 रुपए में शो क्यों देखा उसने? अजी Thank you.
बेटा तुम आ तो गए हो। मार डाले को, मार अमिताभ बच्चन, मार। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। लो कश की तो कश। राजा बाबू के सामने जाए। समझते नहीं है यार। आप कुर्सी पे पाँव रखिए। हाँ रखिए। छोड़ छोड़ क्या कर रहे हैं? अरे राजा बाबू, आपने 25,000 रुपया खर्चा करके शो खरीदा है, आप कुर्सी पर तो क्या पर्दे पर भी पाँव रख सकते हैं। उधर बैठ। आगे देख। क्या दे रहा है? हाँ, तेरी माँ मर गई क्या? नहीं। फिर ताली क्यों नहीं बजाता? देखता नहीं कि राजा बाबू को मजा आ रहा है? चल ताली बजा, बजा। ये अमिताभ बच्चन की तरह आपका कांधा टेढ़ा क्यों हो गया है? सीधा कर लीजिए। जी 12 बजने को आ गए, अब तो सो जाइए। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे तो आ रही है ना। तो तुमसे किसी ने कुछ कहा है? जाके सो जा। कैसे सो जाऊं? मैं नहीं होंगी तो पता नहीं क्या करोगे आप। वो मेरा भी बेटा है, गला घोंट के मार नहीं दूंगा उसको मैं। जानती हूँ, लेकिन बाप बाप होता है और माँ माँ। मैं आ गया। बेटा कोई सुख नहीं दे सकी। कैसी बातें करती हो? सारी जिंदगी मेरे लिए दुख है। तुमने तुमने सब कुछ मेरे लिए तो किया ना? नहीं, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ। हिम्मत राजा बाबू मत रोइए। ले लो नंदू। ये मुझे एक बार फिर से दिखाने के लिए बोल। थोड़ा पीछे ले और दोबारा शुरू कर। अरे क्या घड़ी घड़ी लगा रखा है? कौन बोला? कौन बोला? ए तू फिल्म बंद कर, तू लाइट चालू कर। कौन सालो? पोकर में पिक्चर देखते हो? मालूम है इस फिल्म के लिए हमारे राजा बाबू के 25,000 रुपया खर्चा हो गए। माफ करना नंदू सेठ, माफ कर दिए। समझता नहीं है तू यार। ए लाइट बंद कर, फिल्म चालू कर। आपको मेरी कसम है, कुछ मत कहिएगा मेरे बच्चे। देखिए मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। आप नंदू, कल हम लोग शहर जा जरूर जाएंगे। तुमने पूछा नहीं हम लोग क्यों जा रहे हैं? बचपन से आपके साथ रहता हूँ, अभी भी आपकी दिल की बात पूछनी पड़ेगी क्या? अमिताभ बच्चन ने जैसे त्रिशूल में कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े बनवाने के लिए जाना है। बहुत समझदार हो गया। आपके साथ रहता हूँ ना, फर्क तो पड़ता ही है। मैं तो कहता हूँ कि कल शहर जा रहे हैं, जैसी एम्बुलेंस अमिताभ बच्चन लेके घूम रहा था ना, वैसे ही एक एम्बुलेंस भी खरीद लेते हैं। अटपटे की बजाय उस एम्बुलेंस में घूमेंगे ना तो बड़ा मजा। नहीं आएगा एम्बुलेंस का क्या करेगा? उसमें लेट के अस्पताल जाएगा? तू क्या समझता है इसके बाप के पास नोट छापने की मशीन है? अरे क्यों मेरे पैसे बर्बाद करता है तू? हां बाबूजी, जब देखो आप पैसा 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 करते हैं। अच्छा पैसा पैसा पैसा, दो पैसा कमाएगा तो पैसे की कीमत का पता चलेगा। अरे मगर मुझे पैसा कमाने की जरूरत क्या है? तो क्या करेगा फिर? ये जायदाद किसकी है? किसकी? अरे मेरी है, नहीं तो क्या आपकी है? अरे सब मेरे दादा के पैसे, और दादा की जायदाद पर सबसे पहला अधिकार उसके पोते का होता है। नंदू उस दिन शहर में वकील क्या कह रहा था? ऐसा ही कुछ कह रहा था। वकील? तू वकील के पास जाने लगा है? अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, जानकी, जानकी, क्या हुआ? क्या हुआ जानकी? पता नहीं, अचानक बहुत दर्द हो रहा है मुझे। नंदू चल चले जाकर रोजी को लेकर, चले जा। बहुत दर्द हो रहा है। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा भाई जी को बुला के ला। नहीं जी, बहन जी को आते आते बहुत देर हो जाएगी, मुझे मुझे ही वहां ले चलिए। अरे अरे नंदू, इधर इधर इधर। अरे मेरे साथ तस्वीर खिंचवा। आपके साथ हो तस्वीर? हाँ। आप इतने बड़े साहूकार और मैं इतना छोटा आदमी, आपके साथ तस्वीर कैसे खिंचवा सकता? नीचे देख। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अब बैठ।
आप कह रहे खिंचवा लेता हूँ। सुन सुन, तुझे मालूम है कि मैंने तेरे साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई? मालूम है, क्योंकि आप अमीरों और गरीबों में कोई फर्क नहीं समझते, आप महान है इसलिए। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन खास वजह यह है कि इन दोनों की तरह तूने भी मुझसे कर्जा लिया है, 10,000 रुपए। अगर तू कर्जा न चुका सका और भाग गया तो मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए। हाँ, तेरी तस्वीर होगी तो पुलिस को तुझे ढूंढ निकालने में आसानी होगी। समझ गया, तेरे को कीड़े पड़ेंगे लाले, समझ गया। नमस्कार भाई साहब। प्रणाम साहू जी। वो क्या है कि मैं आमों की पैकिंग करवा रहा था, पांकी ने आके बताया कि आप आए, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला। लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, मुझे बुला लिया होता? कुछ नहीं भाई, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते हुए चले, वरना मेरे पास काम ही क्या है, ये बागों का और खेतों का सारा काम तो तुमने संभाल लिया है। हाँ भाई साहब, याद आया, बाकी बेटे वो जो वसूली की थी ना वो अपने ताऊजी को दे दो। ताऊजी ये अमरूद के, जवार के। अरे बस ठीक है ठीक है, हिसाब मत दो, मैंने कभी हिसाब लिया है तुमसे? जी। ये लो, ओ ये 10,000 घर के खर्चे के लिए रख। शुक्रिया बाबू जी। अच्छा लाखन मैं चलता हूँ। अच्छा भाई साहब। अच्छा ताऊ जी, अच्छा तो बेवकूफ, तुझे सारे पैसे देने के लिए किसने कहा था? बापू आपका बेटा हूँ इसलिए बेवकूफ तो हो ही नहीं सकता, मैंने उस माल में से 20,000 रुपए पहले निकाल लिए थे। अरे शाबाश शाबाश, कर भला तो भला। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो बापू, ताऊजी के पैसे चुरा कर शराब और जुए में उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। जरा हाशिए। तो हमेशा की तरह वही साइज का बना दूं? हाँ हाँ बना दो बना दो, और कल मुझे शहर में और भी कुछ काम है, तस्वीर तैयार रखना, मैं कल ले जाऊंगा। अच्छी बात है। राजा बाबू, लगता आपको ये लड़की पसंद है। हाँ इतनी पसंद है कि मैंने इसे शादी करने का फैसला कर लिया है। साथ? अरे वो लड़के जी? ये लड़की कौन है? ये फोटो हमारे मालिक ने खींची है, हमको नहीं मालूम कौन है। अरे किसी ने भी खींची हो, हमारे राजा बाबू ये पूछे ये लड़की कौन है। देखो हमारी दुकान में 100 तरह के आदमी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, अभी हमको क्या मालूम कौन है। ठीक है ठीक है, तुम इसकी तस्वीर हमें दे दो, हम पता लगा लेंगे कि ये लड़की कौन है। अगर ये फोटो मैंने आपको दे दी तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा साहब। अरे मालिक के बच्चे, तेरे को हमारे राजा बाबू को नाराज करने की फिक्र नहीं है, इतना जोर से लाफा मार के मुंह लाल कर दूंगा कि जिंदगी भर ये पान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल जल्दी से फोटो दे। भाभी अच्छी है, बहुत शहर की लगती है। हाँ राजा बाबू मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद है, आपने तो अपनी शादी तय कर ली है, मैं भी अपनी शादी कर लेता हूँ। आपकी शादी में तो मंडप लगेगा ही ना, मैं भी उस मंडप पे शादी कर लूंगा, पैसे भी बच जाएंगे और हम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी। अरे भैया ये बाहर गांव की लड़की है। मालूम है, उमर गांव की है। अरे ये उमर गांव की नहीं, ये तो 7 समुंदर पार की है। 7 समुंदर पार, इतना दूर? रहने दो, ये नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या, आप लोग अपनी दुकान में साफ सफाई नहीं रखते? देखते नहीं कितनी धूल जमी हुई है, बेचारी किचन में फंस गई है। मैं निकालता हूँ। निकल फोटो है, कैसे निकलेगी? अच्छी है। क्या हुआ? ये चलती क्यों नहीं नंदू? समझती नहीं है यार,